जाने मोहतरम, फिर इसके बाद इस प्रोग्राम के करीब और आगे ले चलता हूँ, कुछ और आगे बढ़ जाए फिर इंशाअल्लाह उसके बाद आपके बीच में खिदमत की जाएगी। फिर इसके बाद नाते नबी के लिए अजीजम रकीब सल्लम को आवाज दी जा रही है, वो अपने मुकम्मल टीम के साथ आए और कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, कुर्बान है तुझपे जानो तन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन। बड़े दिलकश अंदाज में आप समात फरमा रहे थे और बच्चे भी बड़ी बेबाकी के साथ आपसे मुखातब थे। आज छोटे छोटे बच्चों के दिल के अंदर ये जज्बा है, हम इस देश के लिए, इस वतन के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि लोग मुसलमानों को शक की निगाह से देखते हैं और कुछ लोग तो ये समझते हैं कि शायद मुसलमानों के अंदर दहशतगर्दी होती है और मुसलमान बच्चों के अंदर तीर और तलवार की चीजें सिखाई जाती है और उसे देश से नफरत सिखाया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है, मुसलमानों के घरों में क्या मौजूद होता है, वो मैं शेर के अंदर पेश करता हूँ। अगर सच्चाई होगा तो आप सब अपनी दुआओं से नवाजिएगा और तालियों की गोंद से आप बताइएगा। और कैमरे वाले से गुजारिश है कि आप उस तरफ इशारा करके कैमरे को घुमा ले ताकि लोगों को पता चले कि सरजमीन रमजानपुर के लोग कितनी बेबाकी से शायरी सुनते हैं और कितनी बेबाकी से शायरी। कहीं मिसवाक टोपी और कहीं कुरान निकलेगा, कहीं मिसवाक टोपी और कहीं कुरान निकलेगा, अरे मुसलमानों के घरों से बस यही सामान निकलेगा। कहीं मिसवाक टोपी कहीं कुरान निकलेगा, मुसलमानों के घरों से बस
बस यही सामान निकलेगा और हमारी देशभक्ति को तुम नहीं समझोगे गद्दारो, हमारी देशभक्ति को तुम नहीं समझोगे गद्दारो, हमारा खून छोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा, हमारी देशभक्ति को तुम नहीं समझोगे गद्दारो, हमारा खून छोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा।